जम्मू कश्मीर की सियासत में आए रोज एक नया रद्दोबदल देखने को मिलता है। इसी कश्मकश में आज हम बात करेंगे डीपीएपी की। गुलाम नबी आज़ाद हिंदुस्तान के मायानाज शख्सियतों में एक हैं और अपने 48 साल से 50 साल का कैरियर उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है मुंसलिक रखा। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने डीपीएपी का गठन किया। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद एक मुल्की सतह की पार्टी का गठन करेंगे और उन्होंने कहा भी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो स्टेट के अंदर ही इस पार्टी को सहमत रखेंगे। शुरुआती दिनों में डीपीएपी की ताबड़तोड़ रैलियां और लगातार लोगों के बीच में रहना गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिल रहा था और लोगों का कहना था कि डीपीएपी इस बार जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ दिखा सकती है। लेकिन आस्ता आस्ता ये पार्टी कमजोर होती गई और खासकर पार्लियामेंट इंतखाबात के दौरान जब डीपीएपी के कुछ उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई तो ऐसा लगा कि अब डीपीएपी का वजूद काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद की शख्सियत में जरा भी कमी देखने को नहीं मिली। गुलाम नबी आजाद का चेहरा और उनकी फेस वैल्यू जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क भर में इतनी ज्यादा है कि लोग चाहे उनकी अपोजिशन पार्टीज के भी हों लेकिन उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल काम किए हैं जिनकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद का नाम जाना जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल चीफ मिनिस्टर्स का नाम भी जिक्र किया जाए तो गुलाम नबी आज़ाद का नाम पहली फहरिस्त में आता है। इसीलिए डीपीएपी को जब कमज़ोर देखा जाता है तो गुलाम नबी आज़ाद के काम और उनके फेस वैल्यू उससे घिरने नहीं देती। असेंबली इंतखाबात के दौरान डीपीएपी ने अपना वजूद काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया क्योंकि आज़ाद साहब ने कहा कि उनकी सेहत ख़राब चल रही है और वो इस बार असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो लोगों के बीच में ये सवाल पैदा हो गया कि क्या गुलाम नबी आज़ाद सियासी तौर कमज़ोर हो चुके हैं, क्या उन्हें अपनी ज़मीन इस वक्त खिसकती हुई नज़र आ रही है इसलिए वो असेंबली इंतखाबात से दूर हो रहे हैं, या उनकी सेहत का तकाजा सच में है। वहीं बीच में ये भी अटकलें लगाई जा रही थी, चाहे पार्लियामेंट इंतखाबात हों चाहे असेंबली इंतखाबात हों, कि गुलाम नबी आज़ाद वापस कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जोरों शोर से ये खबरें चली लेकिन बाद में ये बेबुनियाद साबित हुई। गुलाम नबी आज़ाद ने वापस कांग्रेस में जाने का कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया और उनकी डीपीएपी जिस तरह थी बिल्कुल उसी तरह रही। असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी कहीं हद तक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वहीं अचानक से गुलाम नबी आज़ाद की सेहत में बेहतरी आने के बाद उन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया कि वो डीपीएपी से अपने 20 से 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे और उस पर वो जोर शोर से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और उन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर में डीपीएपी के वजूद को मजबूत करने के लिए डीपीएपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। और आज डीपीएपी 20 से 25 असेंबली नशिस्तों पर जो है अपने कैंडिडेट उतार कर हिस्सा ले रही है और उसमें कहीं हद तक गुलाम नबी आज़ाद को कामयाबी किस हद तक मिलेगी ये देखने वाली बात है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद किसी भी वक्त हालात को बदलने में एक अहम रोल निभा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहीं अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद की सेहत की कमजोरी होने के कारण पार्टी को आगे कौन संभालेगा, ये सवालात जम्मू कश्मीर के हर इंसान के दिमाग में चल रहे थे। पिछले साल ही सद्दाम नबी आज़ाद ने जो ही पार्टी में हिस्सा लिया तो ऐसा लगा कि अब डीपीएपी को यानी गुलाम नबी आज़ाद की सियासत को एक लंबी दौड़ में ले जाने के लिए सद्दाम नबी आज़ाद मैदान में आ चुके हैं और सद्दाम नबी आज़ाद यकीनन आज भी सियासत में हिस्सा लेने के बाद जो है सक्रियता अख्तियार कर चुके हैं और काफ़ी हद तक वो एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो एक नया चेहरा जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने अपनी जगह इल्तजा मुफ्ती को मैदान में उतारा, इसी तरह पिछले कई दिनों से गुलाम नबी आज़ाद की बेटी जो है इस वक्त सियासत में उतर आई हैं और यूं लग रहा है कि डीपीएपी को मजबूत करने के लिए एक मजबूत चेहरा जो है सोफिया आज़ाद इस वक्त दिख रही हैं। सोफिया आज़ाद की हालिया ही दिनों में डीपीएपी के बड़े जलसों में खिताब के दौरान जब उन्होंने बातचीत लोगों के साथ की तो यूं लगा कि डीपीएपी यानी आज़ाद के सियासी करियर को आगे ले जाने में सद्दाम नबी आज़ाद से ज़्यादा सोफिया का रोल रहेगा। सोफिया एक नौजवान लड़की हैं और बहुत ही अच्छा बोलचाल उनका है और बहुत ही अच्छे से वो भाषण देना भी जानती हैं, सियासत में आ चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि अब डीपीएपी जो एक डूबती हुई किश्ती नज़र आ रही थी अब वो आने वाले वक्त में ज़्यादा मजबूत हो सकती है क्योंकि एक तरफ
अगर एनसी की बात करें तो एनसी में जिस तरह परिवारवादिक पार्टी भी इसको नाम दिया गया, हालांकि इसमें शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आजकल उनके बच्चों को भी कहीं बार जो है सियासी मंचों पर देखा गया, तो कहीं हद तक ये सियासत इसी तरह से जो है पारिवारिक चल रही है। वहीं पीडीपी की बात करें तो महबूबा मुफ्ती के बाद अब इल्तिजा मुफ्ती, पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उसके बाद महबूबा मुफ्ती और अब इल्तिजा मुफ्ती भी सियासी मैदान में इस वक्त लड़ाई लड़ रही है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा था प्रोवेंस जम्मू की अगर बात करें, तो हर किसी के दिमाग में ये सवाल था कि डीपी एपी तो आज़ाद साहब ने बना ली, लेकिन आज़ाद साहब के बाद इस पार्टी को संभालेगा कौन? उनके बच्चे ही सियासत में नहीं हैं। लेकिन अब सदाम नबी आज़ाद के सियासत में आने के बाद सोफिया भी सियासी मैदान में आ चुकी हैं, और सोफिया को देखकर ऐसा लगता है कि वही आने वाले मुस्तकबिल में डीपी एपी का एक बड़ा चेहरा होंगी जो पूरे जम्मू कश्मीर में आज़ाद के बाद उनकी पार्टी को संभालेंगी। तो बहरहाल आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, आपका क्या कहना है, आपके क्या सोच विचार है। हम मिलेंगे एक और अपडेट में, फिलहाल दीजिए इजाजत, आदाब व सलाम।